ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल मत पूछना, मैं जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा, इसका वादा है। अलीगढ़ इतने सारे माइलस्टोन्स पार कर रही है तो कितना प्राउड फील करते हैं, और आपको जो अवार्ड से नवाजा गया है उसके लिए क्या कहना चाहिए? अलीगढ़ की जो जर्नी शुरू हुई थी फरवरी में इस साल, और उसके बाद हमें नहीं लगा था कि ये इसकी जो जर्नी होगी इतनी लंबी होगी, और अभी भी चल रही है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कई सारे देशों में इसको दिखाया जा रहा है और इसको सराहा जा रहा है। मुझे जो अवार्ड मिला है, मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी भी एक डिपार्टमेंट जब अवार्ड मिलता है तो पूरी फिल्म को मिलता है, और ख़ास करके डायरेक्टर को मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्टर का विजन था हंसल मेहता का। और मैं आई कैन टेल यू हाउ थैंकफुल आई एम टू हंसल फॉर गेम में दिस रोल। आपके लिए कितना मायने रखता होगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सिर्फ अपनी कंट्री में आप किसी अवार्ड फंक्शन में आपको अवार्ड नहीं मिल रहा, एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे 78 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, 78 कंट्रीज के फिल्मों में से कुछ फिल्में चुनी जाती हैं, कुछ परफॉर्मेंसेज चुनी जाती हैं, सारे डिपार्टमेंट में जो नॉमिनेशन होता है वो 78 कंट्रीज की फिल्मों को देख करके किया जाता है। दैट इज़ व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड फॉर एशिया पैसिफिक। इसके अलावा जो हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे अवार्ड शोज होते हैं जी, तो डू यू थिंक मतलब इस अवार्ड शो जैसे जो फिल्म सराहते हैं उस तरह के कोई अवार्ड शो होने चाहिए हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में? नहीं, हिंदुस्तान में होने चाहिए, इंडस्ट्री में हो चाहे नहीं हो, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए जहाँ पर एशिया और के सारे जो फिल्में हैं उनको बड़ी बारीकी से देखा जाए, उस तरह के नॉमिनेशन किया जाए। अवार्ड जो हैं और कुछ नहीं होता, इनसे काम नहीं मिलता है, लेकिन अवार्ड ये टाइम होता है रिकग्नाइज़ करने का। एक नॉमिनेशन जब इस तरह के प्लेटफॉर्म पे होता है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड होता है। जो मेरे साथ में जितने भी नॉमिनेटेड थे वो इस कैटेगरी में सारे के सारे विनर थे, सारे के सारे ग्रेट एक्टर थे, चाहे कोई साउथ कोरिया का था, कोई इराक का, ईरान का था, कोई अमेरिका का था, तो नवाज था नॉमिनेशन में, तो ऑल ऑफ अस वर विनर्स, उसमें से एक उन्होंने चुना, वो ज्यूरी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला था आपको अपने किरदार को लेकर? ये बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर जो जितने बड़े बड़े दिग्गज आए थे जो उस ज्यूरी जो ज्यूरी में थे उनका नाम सुन के ही मैं डर गया था कि मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मुझे कोई अवार्ड मिलेगा, जिस तरह के नाम उस ज्यूरी में शामिल थे। लेकिन सारी ज्यूरी ने ये कहा कि जो अलीगढ़ फिल्म है या जो परफॉर्मेंस है वो उसको देखते हुए यही लगा उनको कि सबसे डिफ़िकल्ट परफॉर्मेंस उनको लगी फिल्म में। इस तरह की फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, क्रिटिकली भी एक्लेम होती है, लेकिन कमर्शियली अच्छा नहीं कर पाती, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए क्या है, पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा पत्रकार बंधुओं से ये कहता हूँ कि आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना बंद कीजिए, और लोगों की जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उस पर जाइए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए अलग डिपार्टमेंट है, अलग लोग हैं वो देखते हैं। मैं बॉक्स ऑफिस पे सोच करके कोई फिल्में करता नहीं हूँ, तो इसलिए बॉक्स ऑफिस पे चलती है कि नहीं चलती है, और तीन दिन में आप बिज़नेस को रैप अप कर देते हैं। लेकिन अलीगढ़ जैसी फिल्म आज तक अलग अलग यात्रा कर रही है, वो कोई फ्री में तो कर नहीं रही है, उसका जो पैसा आएगा या आ रहा होगा उसका हिसाब कोई रख रहा है? आप में से कोई रख रहा है? नहीं रख रहा है। तो इस तरह की फिल्में लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, इस तरह की फिल्में ज़्यादा लंबे समय तक लोगों के बीच रहती हैं और अपना पैसा बनाती हैं, उसके ज़्यादा प्रॉफिट भी देती हैं। खैर वो हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं, एक्टर का काम है एक्टिंग करना, एडिटर का काम है एडिटिंग करना, कैमरामैन का काम है कैमरा करना, इसमें पैसा कहाँ से आता है? नाम शबाना है जिसमें एक सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ, रामू जी की फिल्म में कई सालों के बाद रामू ने मुझे डायरेक्ट किया, उसकी बहुत खुशी है। स्पेशल अपीयरेंस किया है मैंने सरकार 3 में, 2 अंग्रेजी फिल्में अमेरिकन प्रोडक्शन है उनको किया है। इसी तरह से थोड़ा बहुत काम करता रहता हूँ, आप लोगों की दया है। कौन सी फिल्म? अलीगढ़ की मूवी, आपकी मूवी अलीगढ़ है। अच्छा, लोग निर्जा और दंगल के लेवल की मान रहे हैं लोग, तो इस अलीगढ़ इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म है, पीरियड।
इतनी बड़ी मूवी है आपके लिए, कितनी स्पेशल होने वाली है ये, क्योंकि इतने सारे अवार्ड शो में उसको सराहा गया है, कितना प्राउड फील करते हैं इस फिल्म को लेकर? इस फिल्म के लिए हमें कोई भी अवार्ड, कोई भी लिस्ट, उससे बड़ा मतलब लोगों का प्यार है कि वो प्यार। पिछले साल अक्टूबर में ये फिल्म प्रीमियर हुई थी बुसान फिल्म फेस्टिवल में, और तब से लेके आज तक हमें इस फिल्म के लिए इतना प्यार मिल रहा है, और वो प्यार हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। बाकी मतलब अवार्ड्स को ज़्यादा मायने देना मेरे सोचने में उचित नहीं है। इसके अलावा मनोज बाजपेयी को भी काफ़ी अच्छा अवार्ड मिला है एशिया पैसिफिक का, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहूँ भाई, मतलब मैं बहुत छोटा हूँ इतने बड़े परफॉर्मेंस के बारे में कुछ भी कहने के लिए, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि शायद ही बहुत कई सालों में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस हिंदी सिनेमा ने देखा, और इस बात को रिकग्नाइज़ किया एप्सा ने, जो एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स है, जो जिनको मतलब कई लोग एशिया के ऑस्कर मानते हैं, उन्होंने इस बात को पहचाना। वो न सिर्फ मनोज बाजपेयी जैसे आर्टिस्ट, बल्कि हमारी फिल्म के लिए बहुत बड़ी सराहना है। फिल्म बनने से पहले और अब इतनी सराहना मिलने के बाद ये जर्नी कैसी रही आपके लिए? जर्नी तब कंप्लीट होगी जब सेक्शन 377 इस देश से हटाया जाएगा, तब इस फिल्म की जर्नी हम कहेंगे कि कंप्लीट हुई है, क्योंकि वो इनजस्टिस जो सेक्शन 377 के ज़रिए, जो होमोफोबिक सोसाइटी के ज़रिए आज भी हमारी सोसाइटी में है, वो जब तक नहीं हटेगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि हमारी फिल्म सफल हुई है। सर, एक जो बिल है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2016, आपको लगता है वो पार्लियामेंट में पास होना चाहिए वो बिल? बिल्कुल, लटका हुआ बिल है अभी। भाई देखिए, ये सारे जो है आपके ह्यूमन राइट्स है, आपके निजी राइट्स है, जिनको हमें इसके लिए इतनी लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए। तो हमारे टीम के एक मेंबर है जो अभी फ़िलहाल दिल्ली में है, इसी राइट के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, मनोज वाजपेयी भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि भाई मेरे लिए मतलब एक छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी कि मनोज वाजपेयी खड़े उतरे, मतलब वो मतलब इस देश के महान एक्टरों में से एक है, और उनके बारे में कुछ कहना मतलब मेरे जैसे या किसी के लिए भी मतलब बहुत छोटी बात होगी। भाई हर फिल्म अलग होती है, हर फिल्म की अपनी एक किस्मत होती है। मिर्जा बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत फिल्म है, और दंगल मैं कल देख रहा हूँ, तो मैंने सुना है कि बहुत ही कमाल की फिल्म है, तो हर फिल्म की तो अलग से देखना चाहिए, उनको कंपेयर करना मतलब हर एक फिल्म के साथ नाइंसाफी है। जी सॉन्ग में वो पिक्चर की हीरोइन है भाई, सॉन्ग कर रहे हैं लेकिन पिक्चर की हीरोइन कंगना रनौत है। अब मतलब थोड़ा जल्दी है उस फिल्म के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि फिल्म सितंबर 15, 2017 में रिलीज़ हो रही है, हमने उसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई है, और हम अभी पोस्ट प्रोडक्ट एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन शुरू करेंगे। लेकिन इतना कहूँगा कि मुझे अलीगढ़ के बाद, शाहिद के बाद, राजकुमार राव और मनोज वाजपेयी के बाद एक महान अभिनेता के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला। अलीगढ़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अक्लेम ओवरसीज फेस्टिवल सर्किट्स, बट समहाउ डू यू फील द इंडियन अवार्ड सेरेमनीज हैज समहाउ शाइड अवे फ्रॉम रिवॉर्डिंग अलीगढ़ दैट मच, डू यू? वेल, वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, अवार्ड्स एंड अवार्ड सेरेमनीज आर टेलीविजन शोज, द टेलीविजन शोज, एंड दे आर मेंट टू अट्रैक्ट TRPs. They are not necessarily a recognition of greatness. So for us, the fact that Manoj has received the APSA is a great honor. It is an honor for not only us, for Aligarh, it is an honor for the entire country, and we should celebrate that. Matlab I for me, the love that the film has received, and eventually when section 377 is abolished from this country, it will be the biggest award that this film will ever receive. बहुत प्राउड फील करते हैं। आई थिंक हंसा सर की हर फिल्म पे हम बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं,
Shahid, City Lights, Aligarh, Abhi Omerta hai, Simran hai. I think he's a family now. He's more than a filmmaker. So it's like, you know, ghar ki ghar ghar mein jaise shaadi hoti hai, wo jo khushi hai na, it's that kind of happiness. Iske alawa har film ka hissa raha hai, to kaisi bonding hai aapki? It's amazing, yeah, the kind of bonding we have. It's we really can't define that. You know, it's very rare that something like this happens with between a director and an actor. But I'm very glad and I'm overwhelmed that we share this kind of relationship now. Oh yeah, yes. It's a huge honor. I think, as far as I know, I think he's the first Indian who has received this award. And I think that's the thing working with Hansal sir. I think we both worked in City Lights together. And Manoj sir totally deserves it. I mean, kind of performance is rarely seen. I think it's one of the finest performances of the year. Which what second time? Which is the second film? Second. No, I don't think so. I'm in Simran. Ye wali jo Simran hai, wo Raj ke bina hai. But how important do you think Aligarh is in the context of breaking stereotypes about homosexuality? You think it is very important. I think we should we as filmmakers are also opening up to the idea now. I saw Kapoor and Sons and now Aligarh, and there was Bombay Talkies. I think I'm very happy that, you know, we are the perception and the scenario and the way we portray gay characters on screen is definitely changing. And thanks to filmmakers like Hansal sir, Karan Johar and the writers, I think it's a great change. Iske alawa Bollywood ke jo award shows hai, unko bhi apna nazariya badalna chahiye is tarah ki choti film. I really can't comment on that. Yeah, kya kisko kya karna chahiye. Hamara jo kaam hai, hum wahi kar sakte hain. Hamara kaam hai camera ke samne imandar rehna, apni aankhon se kaam karna. Baki jo jisko I won't say, because you know I got an award for Shahid, Filmfare award. So I don't know who to change what, yeah, but I think the kind of response we get from the audience and the kind of love we get from you guys is more than any award. Sorry, best appreciation for the comment for the Bollywood award. Special compliment for your character. A lot of great comments, yeah. He spoke Malu so well. Malayali. Yeah. Being a North Indian, I think. Yeah, that was quite a task, but I think I managed pretty well. I don't know. I think there's a criteria. There are jury members. There's a jury member who's sitting there and choosing the films. So I'm sure they know their job and yeah. But getting an award like what he got in Australia, yeah, is way bigger than a lot of awards. So I'm very happy that Manoj sir has got it, and I'm sure in future, in couple of months, he's gonna get much more of them. When can we see you both together? I think soon. Very soon. We are going to collaborate. Yeah, there's something that we both are reading and thinking about. So I guess after City Lights, it's time that we should come back together. कब का कर देना चाहिए था यार, वो तो जिन लोग जो लगा के गए थे उन लोगों ने अबॉलिश कर दिया कब का. हम लोग पता नहीं क्यों उनसे बस एक ही चीज़ सीख के उनके उसको पकड़ के बैठे हैं, और ये बाकी बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए जो हम सीख सकते हैं, अच्छी बात है वैसे. बट 377 को पकड़ के बैठे हैं, आई थिंक डेफिनेटली उसको अबॉलिश कर देना चाहिए. हाई टाइम. थैंक यू. यस, विजुअल Silence.
नहीं सर आप बोलो ना सर, तू कर ना, तू बोल ना सर, क्या कहना चाहेंगे अलीगढ़ के बारे में? सबसे पहली बात तो मैंने ये पिक्चर रिलीज़ के पहले देखी थी। शैलेश जी हैं, हंसल जी हैं जो हमारे दोस्त हैं, और तभी मुझे बहुत अच्छी लगी थी पिक्चर। आई फेल्ट के मनोज एंड राजकुमार बोथ वर फैंटास्टिक इन द फिल्म। जो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट था हंसल जी का, उसके लिए भी बहुत यू नीड करेज टू मेक अ फिल्म ऑन सच अ सब्जेक्ट। आई ऑलवेज थिंक के मनोज ने बहुत अच्छा काम किया था पिक्चर में, एंड फाइनली आई थिंक ही इज गेटिंग व्हाट ही डिजर्व्स एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। देखो मतलब मनोज की पिक्चर है तो ऑब्वियसली के एंड ही इज मेड कंप्लीट जस्टिस टू इट, एंड ऑफकोर्स देयर राजकुमार हैज डन अ वेरी गुड जॉब। तो दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, उसमें से मनोज वाज एब्सोल्युटली जस्ट अप देयर। ग्रेट सर, इसके अलावा इन फिल्मों को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो मतलब बॉलीवुड में उसे सराहा नहीं गया लेकिन बाहर बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, तो क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड में इस तरह की छोटी फिल्मों को भी सराहना मिलनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि बॉलीवुड में एक तो छोटी मोटी फिल्में ऐसा नहीं सोचना चाहिए आदमी। इस तरह का डिफरेंट सब्जेक्ट लेके जो लोग आते हैं, जो लोग ऐसी पिक्चरें बनाते हैं, और अगर करेक्ट पिक्चर बनाते हैं, अच्छी पिक्चर बनाते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें सराहा जाता है और उसे सराहा गया है। बट एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन ऑडियंस। एक उसका कभी कभी लिमिटेड ऑडियंस होता है, कभी बड़ा ऑडियंस होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्म। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी इस तरह की फिल्में बन रही हैं एंड इट इज़ रीचिंग द वाइडर ऑडियंस इन द वर्ल्ड। इसके अलावा आपकी एक मराठी फिल्म करने वाले हैं रितेश देशमुख के साथ, तो उसके बारे में बताएं क्या स्टेटस है? स्टेटस ऐसा है कि वेल स्क्रिप्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आई है, तो होपफुली नेक्स्ट एक दो महीने में मैं कुछ बता सकूँगा उसके बारे में। थैंक यू सर। सर अलीगढ़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने देखी होगी क्या जी परफॉर्मेंस के बारे में? ये मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म थी, और ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। हंसल मेहता जैसे डायरेक्टर एक नया होराइज़न खोल रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी था कि ऑडियंस को नई तरह की कहानियाँ सुनने को मिले, और ये एक और कदम है उस तरफ। Definitely it takes a lot of courage, and these are the times where we should tell all these new stories, and it's an opening up for us as a makers and for our audience. So it's a growing industry in terms of you can say in terms of stories, in terms of thinking. So we need these gutsy directors to come up and give us a new beginning. सर इसके अलावा अलीगढ़ बहुत सारे फेस्टिवल से गई है लेकिन कमर्शियली मतलब इस तरह की फिल्में अच्छा नहीं कर पाती, तो उसके लिए क्या रीज़न है? उसका एक ही रीज़न है कि हम डायरेक्टर्स थोड़े डरपोक हैं, कहानियां सुनाने से डरते हैं, इसलिए ऑडियंस को आदत नहीं पड़ती। तो अब जितनी ये कहानियां हम सुना पाएंगे, जितने गट्स के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे, ऑडियंस को इस तरह की कहानियों की आदत पड़ेगी और वो बॉक्स ऑफिस पर भी दिखेगा। हाँ जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑफ योर्स? कहानी पे काम कर रहा हूँ, जल्दी बताता हूँ। सी कोलैबोरेटिंग विद अनुराग कश्यप, देयर वर रिपोर्ट्स फॉर अ फिल्म, हाउ डू आर दिस? मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक हैं, और मैं हमेशा से चाह रहा था कि कुछ मिलके करें, तो अब मौका मिल रहा है तो कर रहे हैं। इट्स अ लव टू मी सेट इन यूपी। उसके बारे में अनुराग बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द कोलैबोरेशन? थैंक यू सो मच।
जीत बहुत कमाल की फिल्म है ऑफकोर्स, और हंसल साहब ने बनाई है फिल्म, मैंने देखी है, मैंने बहुत पहले देख ली थी फिल्म, बहुत ही इम्प्रेस हुआ था मैं मनोज भाई की परफॉर्मेंस से। देखिए कुछ फिल्में होती हैं जो जिनको बाहर बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, जिसमें रमन राघव भी है, रमन उसमें मुझे भी अवार्ड मिला था जहाँ पे स्पेशल मेंशन का, मनोज भाई को बेस्ट एक्टर का मिला। कुछ फिल्में होती हैं जिनको बाहर बहुत पसंद किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे थोड़ा सा है, वक्त लगेगा अभी। नवाज सर, इसके अलावा जिस कैटेगरी में मनोज सर को जो अवार्ड मिला है उस कैटेगरी में आपका भी नाम था, तो क्या कहना चाहिए? मुझे भी मिला अवार्ड यार, और मनोज भाई मेरे सीनियर हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो इस फिल्म के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे उनकी? अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है मनोज भाई की इसमें, आई थिंक बहुत कम एक्टर हैं हमारी कंट्री में जो कर पाएंगे इस तरह। फिल्म बहुत सारे फेस्टिवल से गुजर चुकी है लेकिन बॉलीवुड में इस तरह की फिल्म की सराहना नहीं हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह की मनोज भाई की परफॉर्मेंस की, स्पेशली अगर मैं कहूँ कि मनोज भाई की परफॉर्मेंस की सराहना होनी चाहिए थी। थैंक यू भाई, थैंक यू। नए मेहमान कैसे मिस करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो यही है कि स्वस्थ रहें दोनों, जच्चा बच्चा जो है ऊपर वाले से दुआ बहुत ही अच्छे से परवरिश हो और बहुत अच्छे से स्वस्थ रहें ये ज़्यादा। आपकी कोई आने वाली मूवी के बारे में हमें बताना चाहिए? मेरी तो अभी रईस ही है जो आई गई है। खुशी की बात है कि अच्छा है कि कोई वहाँ फिल्म रिलीज हो रही है, गुड, हमारा तो कलेक्शन ही बढ़ेगा। विवादास्पद सवाल हो गया था। अच्छा हाँ, मुझे पता है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी वाला सवाल बोले बोले। वेरी वेरी प्राउड, मोर देन एनीथिंग आई एम वेरी प्राउड फॉर द फिल्म that it has got so much recognition outside. I'm very, very proud that even in India, people who have seen the film, they have been talking about the film, they have been raving about the film. So it's a proud moment because it's a small film and it has gone on such a huge journey, long journey. It has become so huge in so many people's mind, not only in India, but also internationally. नहीं नहीं, देखिए किसी अवार्ड में आपको फंक्शन में आपको अवार्ड नहीं देते हैं उसको लेकर के मैं ज़्यादा सोचता नहीं। जहाँ पर आपको इज्जत मिलती है वहाँ पे इज्जत लेते हैं और थैंक यू बोलते हैं। यहाँ नहीं इज्जत मिल रही है तो हम थैंक यू नहीं बोल रहे हैं। झारखंड सरकार ने 2 लाख की सब्सिडी दी है फिल्म मेकर्स को। किसने? 2 करोड़ की सब्सिडी दी है फिल्म मेकर्स को, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? कौन सी सरकार ने? झारखंड सरकार। नहीं नहीं, झारखंड सरकार के बारे में पता चला कि वो लोग फिल्मों को बढ़ावा देना चाहते हैं, फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं,
अपने स्टेट में, विच इज़ अ ग्रेट ग्रेट यू नो इनिशिएटिव। इससे खास करके उन सब फिल्मों को फ़ायदा होगा जिन फिल्मों के बजट कम होते हैं और जिन फिल्मों की रिलीज़ में दिक्कत आती है। इस तरह की फिल्मों को बनाने वाले जो फिल्म मेकर्स हैं वो उस तरह की कहानियों को सोचेंगे जो झारखंड में फिल्माया जा सके। इससे टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलता है, तो एक बहुत ही बड़ी पहल है। मुझे तो पता ही नहीं, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ। थैंक यू सो मच सर। यार तुम लोग डांटते क्यों हो यार, मुझे डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है इसे डांटता है कोई। नए साल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, अगला साल आज के साल से इस साल से बहुत ही अच्छा हो। न सिर्फ आप तरक्की करें, आपका समाज तरक्की करे, आपका पड़ोसी तरक्की करे, ये दुनिया तरक्की करे, दुनिया से हिंसा ख़त्म हो, औरतों बच्चों जिनका भी कत्लेआम हो रहा है वो सब रुके, गरीबी हटे, बेरोजगारी हटे, बस हम यही चाहते हैं। थैंक यू सर। मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है, 2016 भी बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है क्योंकि अलीगढ़ की बहुत तारीफ हुई और फिल्म की तारीफ हुई। अलीगढ़ मुझे बहुत स्पेशल फिल्म है क्योंकि मैंने हंसल सर के साथ शायद भी किया है और बहुत सारा फिल्म उनके साथ ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके अंदर जो जिस तरह का इशू को उन्होंने उठाया और जिस तरह से इसकी कास्टिंग किया तो बहुत मज़ा आया। एंड आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि अभी अलीगढ़ की सक्सेस पार्टी हो रही है, कल दंगल रिलीज होने वाली है, तो पूरा माहौल जो है बहुत थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो फिल्म बहुत अच्छी आ रही है। क्या खास बात है जल्दी से भी कास्टिंग आप प्लान कर रहे हैं? यार वो जैसे एक सादर के बच्चे को एडमिशन मिलता है तो स्कूल में अच्छा एडमिशन मिलता है, तो मुझे वो फीलिंग आती है कि जब मैं देखता हूँ कि सारे के सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, सारे के नए एक्टर जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे आई फील लाइक अ फादर जिसके बहुत सारे बच्चे इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। वेरी एक्साइटेड यार, मैंने दो बार दंगल देखी, इतना खुश हूँ दंगल को देख के मैंने, क्योंकि आपकी हर फिल्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दंगल बहुत ही स्पेशल फिल्म है, कम से कम एक साल लगा उसकी पूरी कास्टिंग करने में, पूरे प्रोसेस में, और जिस तरह से नीतीश तिवारी और आमिर सर ने सपोर्ट किया, तो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। ऑस्कर में जाने लायक है? जाना चाहिए यार, ऑस्कर में जाने चाहिए, ऑस्कर जाने लायक है। आप सब देखेंगे, आप ही बता पाएंगे कि ऑस्कर जाने चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि बिल्कुल जाने चाहिए, बिल्कुल जाने चाहिए। थैंक यू। नाम तो करेक्ट ले रहे अलीगढ़ अलीबाग का नहीं, मैंने ये फिल्म देखी और बहुत कमाल की फिल्म है और मैं समझता हूँ हंसल ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। मनोज जो सब लोग जानते हैं हमारी इंडस्ट्री के बेहतरीन बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं, उन्होंने क्या किरदार निभाया है और क्या खूबसूरती से फिल्म लिखी गई है, तो मैंने बहुत इन्जॉय की और मुझे बहुत खुशी है यार कि इस फिल्म को इतने एक्यूलेट्स मिल रहे हैं, दुनिया भर में लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, मनोज के काम की तारीफ हो रही है, हंसल के काम की तारीफ हो रही है, तो आई एम वेरी हैप्पी और दोस्तों के साथ उनकी खुशी में शामिल होने हम यहाँ आए। बॉलीवुड में भी इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा मिलना चाहिए? बिल्कुल, अच्छी फिल्मों को बढ़ावा मिलना चाहिए यार, और अब मुझे लगता है बढ़ावा मिल भी रहा है। आप जितने इतने सारे लोग आज यहाँ अलीगढ़ को सेलिब्रेट करने आए हैं, उस फिल्म को इतने सारे एक्लेट्स मिले हैं, इतने सारे फेस्टिवल में फिल्म को पसंद किया है, हिंदुस्तान में क्रिटिकल अक्लेम फिल्म का बहुत कमाल का था, मनोज के काम की बहुत तारीफ हो रही थी, एक नई तरह की फिल्म थी,
हंसल के काम की बहुत तारीफ हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एथलीट जो बढ़ावा जिसे आप कह रहे हैं वो जरूर मिल रहा है आज कल। मतलब आई एम हियर टू टॉक अबाउट अलीगढ़ यार, जॉली का टाइम आएगा तो बात करते हैं जॉली को। नहीं आप जैसे लोग कहते हैं अच्छा ट्रेलर है तो मानने का मन करता है, उम्मीद करता हूँ आप लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। बट ऑन ए सीरियस नोट वी आर वेरी हैप्पी, माई प्रोड्यूसर्स द कास्ट अक्षय एंड एवरीबडी इज वेरी हैप्पी द काइंड ऑफ फीडबैक दैट वी आर गेटिंग फॉर जॉली LLB 2 ट्रेलर। बड़ी कमाल की फिल्म है एंड विनोद सर का मैं ऑलरेडी बहुत बड़ा फैन हूँ और उनकी परफॉर्मेंस हर कोई जानता है बहुत अच्छी, एंड आज बहुत खुशी है इतना बड़ा अवार्ड उन्हें मिला एंड वी ऑल आर हियर टू सेलिब्रेट। इसके अलावा इन तरह की फिल्मों को भी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए बॉलीवुड में कि इस फिल्म को एक अवार्ड यार एक्चुअली अवार्ड्स मिले ना मिले आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस बात करती है, सो आई थिंक कोई भी परफॉर्मेंस जो है वो एक अवार्ड से सीमित नहीं की जा सकती। बट हाँ डेफिनेटली आई थिंक इंडस्ट्री जो है वो हर तरह की फिल्म के लिए खुल रही है एंड आई एम श्योर इस तरह की फिल्मों के भी आगे यहाँ पर भी और अवार्ड्स हैं। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। हाँ सर यार अभी तक तो अच्छी जा रही है, वी अभी एक शेड्यूल हमने रैप किया है एंड जनवरी में नेक्स्ट शेड्यूल है, सो या अच्छा मेरे लिए यार दे रहे प्लीज़ है। इज इट रोमांटिक कॉमेडी? हाँ यार रोमांटिक कॉमेडी है एंड लोगों को पसंद आनी चाहिए। I think it's a great film and Hansal Mehta I think is one of the most amazing beautiful directors we have and I love watching his films, I loved Shahid and this is just another amazing beautiful film on made on such an amazing beautiful subject and so sensitively made, so well made, and of course we can't stop talking when you talk about Aligarh, you have to talk about you have to talk about Manoj Bhai. I think he gave a life, one of his best performances of his career. And so it's good that such films are celebrated, such films are being made and there's a beautiful party here for that. You're also doing a movie with Tapsee Manoj, Running Shadid also. I'm not doing a film with Tapsee, we did that film 3 years back. Okay, so can you please But I think... अच्छा वक्त शुरू हो रहा है, 2017 3 फरवरी को रिलीज़ हो रही है, 2 जून या 3 जून को हमारा प्रोमो आएगा एंड आई होप आप लोगों को पिक्चर अच्छी लगे, लोगों को अच्छी लगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फोटोज।